फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं आप जा रहा हूँ जाफू पीक। अभी आपका टाइम हुआ है, 1 बजने वाला है, तो आप देख सकते हैं। तो अभी मैं स्टार्ट करूँगा यहाँ से जाफू ट्रैक का। रात को मैंने ये टेंट पे सोया था कैंप साइट पे, तो आप ये सब देख सकते हैं। और मैं सारा पैक वगैरह करके एकदम रेडी होके रखा हूँ, क्योंकि मेरे साथ जाएंगे 2 गाइड। मतलब एक ही गाइड है, पर उसका एक दोस्त भी जाएगा, तो वो कंपनी उसका फ्रेंड के लिए। तो आपको बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ, बाहर क्या हाल होके रखा और कितना कड़क ठंड पड़ रही है यहाँ पे। मतलब अराउंड टेम्परेचर चेक किया था 8 डिग्री सेल्सियस है, पर ठंड बहुत ज़्यादा ठंड है। तो आपको दिखाऊंगा बाहर जाके। तो चलिए बाहर चलते हैं और दिखाते हैं आपको। और ये ब्लॉग पे बने रहिए और देखिए जाफू ट्रैक का ट्रायल। और मैं स्टार्ट करूंगा जो कि रात का ट्रायल, क्योंकि मुझे सनराइज़ देखना है, तो इस वजह से अलग ही एक एडवेंचर होने वाला है आज। तो चलिए मेरे साथ जाफू पीक। तो ये देखिए बाहर का सीन, कड़कड़ा ठंड। अभी 1 बजने वाले, बस 2 मिनट रह गया है। ओ माय गॉड, अभी मैं गाइड को भी उठाना पड़ेगा, और गाइड उठने के बाद मैं चला जाऊंगा जाफू ट्रैक के लिए, जो बहुत एडवेंचरियस होने वाला है। और कल तो मैं डर ही गया था, क्योंकि एक दो भैया ने मुझे बोल दिया बहुत डिफ़िकल्ट ट्रैक है, पर जो भी ये देखा जाएगा, पहले जाता हूँ, जो होगा देखा जाएगा, कर लूँगा जैसा भी ट्रैक हो, कर लूँगा। थोड़ा टाइम लगेगा, कर लूँगा, पर और कुछ खा लेना पड़ेगा, तो कुछ बना लेता हूँ सबसे पहले, तो जल्दी जल्दी कुछ खा के यहाँ से निकलता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं अभी जा रहा हूँ जाफू पीक, सब रेडी, पूरा मैगी ये सब खा लिया हूँ, और मेरे 2 गाइड भी रेडी है, इन लोग है गाइड। और हमें जाना है पहले तो उस तरफ, देखिए वो जिधर लाइट वाइट जल रहे ना, उस तरफ घर की तरफ, उस तरफ से जाना है। तो चलिए चलते हैं। और ये देखिए रात को मैं कैसे सोया था, क्या नज़ारा था, क्या मस्त जगह था, देखिए। तो अभी चलते हैं जाफू पीक बिना कोई देर करे। लेट्स गो ब्रो। तो देख सकते हैं आप लोग, इस तरफ से हम लोग जा रहे, पूरा अंधेरा है। ये भाई है, और हम तीन इस तरफ से, क्योंकि यहाँ भी एक कैंप साइट है जाफू इको कैंप, और इस तरफ से जाना है।
5 minutes. You can stay here also, no? तो फ्रेंड्स अभी बस जाफू पीक पहुंचने वाले, अभी बस और 40 मिनट्स लगेगा, फिर आपको दिखाता हूँ। इधर देखिए सनराइज भी स्टार्ट हो गया होने, हमें जल्दी जल्दी पीक पे चढ़ना है, उसके बाद दिखाते हैं आपको ऊपर से क्या शानदार नज़ारा। अभी बस जाफू पीक में पहुंचने वाला हूँ और सनराइज भी होगी, आप देख सकते हो उधर। और ये सीन देखिए, ये रास्ता देखिए और ये फॉरेस्ट देखिए, क्या शानदार है। अभी बस थोड़े और 30 मिनट्स लगेगा ऊपर पीक में पहुंचने में। सुबह 2 बजे निकले थे, तब भी सनराइज के टाइम पे पहुंच नहीं पाए क्योंकि मैं बहुत टायर्ड होके रखा था, क्योंकि राइड करके यहाँ तक आया, उसके बाद रेस्ट उस्ट भी इतना नहीं किया, फिर कल भी घूम ही रहा था इधर उधर, तो उसके वजह से। और रात को सोया, फिर जल्दी उठा इस वजह से। अभी बस पीक में एंटर होंगे और सनराइज भी पूरा हो चुका है एकदम, देख सकते हैं आप, पूरा येलो होके रखा है देखिए, और इस तरह देखिए ग्रीन। तो चलिए देर नहीं करते ऊपर चलते हैं। You can see weather is peeing. तो फ्रेंड्स अभी बस टॉप 15-20 मिनट लगेगा टॉप पे चढ़ने। पहुंच गया क्या टॉप? तो अभी तक नहीं पहुंचा। अब ये सीन देख सकते हैं, क्या सीन है नजारा। ये जो पीक है ना, बहुत लेस एक्सप्लोर्ड पीक है, यहाँ पे बहुत कम लोगों ने आया है। और व्हाट अ व्यू, तो ये व्यू देखिए ऊपर से,
ये व्यू देखिए। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ऐसे क्लाइम करके जाना पड़ता है पीक पे माउंट जाको। क्लाइंबिंग लाइक स्पाइडरमैन। Able to come. और give me the camera. सही। How's the juice? ऐसा है और रिमोट ट्रैकिंग है ये, और इसलिए बहुत कम लोगों को पता है यहाँ का ट्रैकिंग के बारे में। आप देख सकते हैं मैं कैसे क्लाइम कर करके ऊपर आ रहा हूँ। तो चलिए भाई और ऊपर चलते हैं पीक में। और कितना देर है भाई पीक? टेन मिनट। लेट्स गो। हो जाएगा, पॉज कर दो। Almost. ऑलमोस्ट पीक भी पहुँचने वाला है, वो वाला पीक है शायद, और 15-20 मिनट लगेगा। पूरा थक गया हूँ भाई। वो व्यू दिखा दीजिए उस तरफ का। ये व्यू देखिए क्या शानदार व्यू है। तो फ्रेंड्स देखिए, हम लोग वो नीचे से आ रहे, देखिए एकदम नीचे से, देखिए एकदम डाउन से आके एकदम यहाँ तक देखिए, फिर अभी उस ऊपर तक चलना है। देखिए वो थोड़ा सा स्टोनिक निकल रहा होगा, वहाँ तक जाना है। तो चलते जल्दी जल्दी, चलिए भाई।
मशीन है। तो फ्रेंड्स ट्रायल देख रहे हैं, क्या शानदार ट्रायल है। ये डिफिकल्ट ट्रैक है, पर इसे मॉडरेट या इजी ट्रैक मत समझिएगा, बहुत डिफिकल्ट ट्रैक है। मैं सनराइज़ देखने के लिए यहाँ पे आया था, सनराइज हो चुका है, अभी तक वो टॉप पीक पे नहीं पहुँचा, अभी भी 5-6 मिनट पे। तो चलिए मैं चलता हूँ इस तरफ से, देखिए। तो फ्रेंड्स फाइनली वो देखिए क्रॉस पे पहुंच गया, अभी 1-2 मिनट का रास्ता बस, एकदम टॉप पे। चलिए भैया Come on, with me. फ्रेंड्स फाइनली पहुंच गया हूं मैं जाफू पिक पे। याओ मजा आ रहा है एकदम, नागालैंड का सेकेंड हाईएस्ट पिक पे चढ़ के, और रियली ये बहुत हाइट पे है, आप देख सकते हैं इधर माउंटेन्स, दिखा दीजिए, बहुत ज्यादा हाइट पे है। और ट्रैक तो आपने देख ही लिया होगा कैसा है, अगर आपको भी आना है तो कमेंट करिएगा मुझे, मैं आपको जितना सकूँ उतना गाइड कर लूँगा। और ये दो जो भी मेरे साथ आए, दो गाइड है, इनका कॉन्टेक्ट नंबर भी दे दूँगा, तो आप इन लोग को ज़रूर कॉन्टेक्ट करिएगा। आपका नाम क्या था भाई? दोस्त जिनका नाम है, और आपका नाम भैया? हसी। हसी हाँ, हसी, ये फसी भाई है। तो मजा आ रहा है और मस्त शानदार हवा चल रही है यहाँ पे, बहुत बढ़िया लग रहा है। जितना भी टायर्डनेस था ना सारा दूर हो चुका है, अभी बस थोड़ा बहुत शॉट लेंगे और फिर यहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि आज मुझे वापस रिटर्न भी होना है, तो अभी निकलेंगे। और कोई अगर आए तो उस पीक पे भी जा सकते हैं, वो जो दिख रहे सामने वाला यही मेन पीक है, पर कोई भी उधर भी जाते, कोई कोई उधर थोड़ा प्लेन साइड है। वेयर इज जुको वैली, वेयर इज जुको वैली कैन बी सीन? जुको वैली दैट वन द वैली, तो उस तरफ से आपका जुको वैली भी दिखाई देते है, उस तरफ से बहुत दूर पे है, थोड़ा थोड़ा विजिबल है, वैसे इतना है नहीं।
तो इधर से ड्रोन शॉट लेते और चलते। हाउ मच टाइम वी हैव टू टेक फ्रॉम दिस? दैट वाज प्लेन एरिया और व्हाट? या या 1 मिनट। 1 मिनट? या 1 2 मिनट। Let's fly our drone here, then we will go there and then we will leave last, okay? And please click 1-2-4-2 with my cross or with this cross, okay? से इस तरफ जा रहा हूँ। इस तरफ से शायद जीपो वैली दिखते थोड़ा थोड़ा, तो इस तरफ से दिख के आता हूँ। एक्चुअली इस तरफ से भी आपका जीपो वैली जा सकते हैं, अगर कोई चाहे तो इस तरफ से भी जीपो वैली आ सकेगा। ये थोड़ा मतलब जाफू ट्रैक करने के बाद आप जीपो वैली का ट्रैक कर सकते इस तरफ आके। तो इस तरफ जा रहे ब्रो लोग तो बहुत फास्ट है, पर मैं उन लोग जितना फास्ट नहीं हूँ। ये भी देखिए फ्रेंड्स, उस तरफ देखिए, उस तरफ देखिए जुको वैली का दिख रहे, देखिए उस तरफ एकदम उस तरफ देखिए जुको वैली। आई थिंक जुको वैली का बेस कैंप उस तरफ होगा, उस तरफ से उल्टा है देखिए। और जो जुको वैली में रिवर्स की आते हैं ना, वो इसका नीचे में ही है, पर अभी मैं उस तरफ दिखा नहीं पाऊंगा। तो ये व्यू देखिए टॉप से, ओ माय गॉड। तो अभी फ्रेंड्स यहाँ से निकल रहे, और अभी यहाँ से फिर से ट्रैक करके नीचे जाना है। ट्रैक आने में तो मुझे 5 घंटा लग गया था, 5 आवर्स, अभी जाने में 2 घंटा लगेगा बोल रहे। तो अभी जल्दी जल्दी निकलते हैं, और मुझे आना भी है, बहुत जोर से भूख लगा हुआ है। सुबह 2 बजे का ही मैगी ये सब खाया था, उसके बाद कुछ खाया ही नहीं। This way. Both sides can go, but yeah, this one is better. This one is, this one will be better, right?
फ्रेंड्स यहाँ से निकल रहे इस तरफ लीजिए। माय गॉड दिस इज टू रिस्की। तो फ्रेंड्स यहाँ तक क्या था, देखिए ये ट्रेल जो रात को मैं दिखा नहीं पाया, अभी देखिए हम लोग जंगल के अंदर से जाएंगे इस तरफ से। देखिए ये रात को ही हम लोग पार हुई थे लगभग 3 बजे। तो इस तरफ से देखिए ये पूरा जंगल के अंदर से, इस तरफ से देखिए ये रात को मतलब, और इस तरफ देखिए कितना डीप है। रात को टॉर्च लेके इस तरफ से आ रहे थे, पर सही ट्रैकिंग था ये, बहुत मज़ा आया ये ट्रैक करके। और इसे डिफी, इसे कोई इजी ट्रैक भी मत समझिएगा, ये है डिफ़िकल्ट, मतलब इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन कोई कोई जगह में बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है। और अभी तो ठंड के दिन है, इसलिए बारिश वरिश नहीं है, स्लिपरी नहीं है। अगर इनकेस अगर मानसून वगैरह में आई ना, तो यहाँ पे तो चलना ही मुश्किल होगा, क्योंकि अभी भी थोड़ा थोड़ा स्लिप हो जा रहा है। मैं तो ये बंचेस पकड़ पकड़ के नीचे उतर रहा हूँ। और एक चीज आपको मैं दिखाऊंगा लास्ट में, ये पार हो लेते ट्रायल, ये तो मैं गिरूंगा यहाँ से। अभी मैं पहुंच गया हूँ वापस बेस कैंप में, जो रात को तो दिखा नहीं सका, ये वाला है यहाँ का बेस कैंप, देख सकते हैं। देखिए इस तरफ, देखिए
ये है बीस स्किन देखिए ये वाला देखिए। अगर कोई फी आना चाहे ना तो यहाँ पे भी टेंट पिच कर सकते देखिए। कोई चार्जेस वगैरह तो ऐसे है नहीं, पूरा खाली है देखिए। इधर आप अपना फायर उसे बंद कर सकते आराम से खा के रह सकते आप लोग। तो यही तक का था मेरा ब्लॉग फ्रेंड्स, होप आपको अच्छा लगा ये ब्लॉग और ये प्लेस। और मैं सजेस्ट करूँगा जरूर आइए इस प्लेस पे। ये ट्रैकिंग तो थोड़ा डिफिकल्ट है ऐसे, ये टोटल आपका आई थिंक 7 आवर तो नहीं बोल सकूँगा, 8 to 9 आवर लग जाएगा इस ट्रैकिंग को पूरा करने में फ्रॉम द कैंप साइट। सो सी यू इन अनदर ब्लॉग, बाय बाय, सी यू एंड मीट यू। और प्यार दीजिएगा कमेंट करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके, और बताइएगा अगर कुछ गलती हुआ है, कुछ फीडबैक भी दीजिएगा अगर कुछ भी है तो, अगर और मैं बेटर कर सकूं इन फ्यूचर। तो सी यू, बाय बाय। और इधर का ट्रायल देखिए, यहाँ से मैं ब्लॉक को ख़त्म करता हूँ। इस तरफ से भी मुझे ना उतर के बेस कैंप जाना है अपना कैंप साइट।